रात को आए तूफान ने बरसाया कहर, रामपुरा की महिला घायल। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खंडेला। तेज हवाओं के साथ रात को बारिश के बाद कस्बे में कई जगह पेड़ उखड़े हैं, वहीं कई जगह विद्युत पोल गिरे हैं, वहीं विद्युत लाइनों पर पेड़ पड़ने की भी सूचना आ रही है। कई कस्बेवासियों के टेंट सेट भी उड़ गए थे। रात का जो मंजर था, लाइट गुल थी, डरावनी आंधी के साथ बारिश, हर कोई सहमा सा बैठा था एक कोने में। और रामपुरा गांव निवासी केसरी देवी पत्नी शंकरलाल सैनी, जो कि खेत में टेंट सेट बनाकर रहते थे, उसी मंजर में उसी टाइम पे वो भी अपने छप्पर में बैठे थे, उसी समय उनका टेंट सेट उड़ जाता है और उस महिला पे ईंट गिरने से वो घायल हो जाती है। परिवारजन उसे सुबह हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, जहां पे उनके 8 टांके आते हैं, ऐसी सूचना है। रात का वो मंजर ही ऐसा था, तेज तूफान, शायद आज तक ऐसा तूफान तो किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन आप देखें, यह जो आप देखेंगे रामपुरा से खंडेला की साइड में दायरा गांव से निकलने पर जो पूरा रास्ता है, बेकायदा पेड़ गिर गए हैं। पेड़ गिरने के बाद यहां पे इन्हें हटाने के लिए लगभग 10 बजे से इनको हटाने के लिए लगे हैं। अभी भी रास्ता खंडेला से रामपुरा का रास्ता अभी भी अवरुद्ध है। जगह जगह पे ऐसे पेड़, बहुत सी जगह रात को जो काफी भयंकर तूफान आया था उससे काफी जगह पे पेड़ गिरे हैं। आप देखें, उसे हटाने के लिए लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं और विद्युत कर्मचारी भी अपने स्तर पर काफी ज्यादा संख्या में पोल गिरे हैं, उन्हें ठीक करके लाइट दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी सूचना है। गांव में जगह जगह पे विद्युत पोल गिरे हैं, काफी पेड़ हैं जो विद्युत लाइन पे गिरे हैं। पूरा अमला, प्रशासनिक अमला इसको लाइट को दुरुस्त करने में लगा हुआ है। कैसा लगता है? खड़े की तलाश ले रहे थे। अरे थालू टोकरों खड़े की तलाश ले रहे थे।